नमस्कार, मैं हूं ईशानी प्रियम और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। चुनाव का माहौल चल रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं द्वारा वोट जागरूकता अभियान चलाया गया पटना के एनर्जी पार्क में। देखते हैं इस वीडियो में कि महिलाओं ने अपने सरकार से क्या कुछ डिमांड किया है, कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए जो उनके कौन कौन सी सुविधाओं का ख्याल रख सके, समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाए और उसको दूर करे। और अगर मान लीजिए कि और हमारा अधिकार है मत देने का, मत देंगे अगर हमको नेता नहीं मतलब नहीं पसंद आता है तो हमारे तरफ से ये अधिकार दिया गया है कि नोटा पर भी हम बटन दबाकर हम उनका विरोध जता सकते हैं कि हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। बस हमें इतना ही करना। खास करके संडी क्लब हमेशा महिलाओं के लिए काम करता रहा और हम लोग महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम यहाँ महिलाओं से चाहेंगे ये कहना कि जब हम किचन के लिए काम करवाते हैं तो हस्बैंड हमारी राय लेते हैं, हम घर में वुडवर्क के लिए जब हम अपनी राय दे सकते हैं, तो आज जब हमें मौका मिल रहा है अपना सरकार चुनने के लिए, अपने लिए सरकार चुनने के लिए, तो हम क्यों नहीं वोट दें? हमें वोट देना चाहिए। हमारी ये अभियान जो है दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात कि हम वोट दें और सही आदमी को वोट दें, दोनों ही बातों का हमको ख्याल रखना है। मैं सभी महिलाओं से, खास करके महिलाओं से ये अपील करती हूँ कि आप एक साड़ी खरीदते समय तो इतनी बार सोचती हैं, कितनी बार आप इरिटेट करती हैं दुकानदार को, आपको कलर चाहिए, आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको लेटेस्ट डिज़ाइन चाहिए, लेकिन आप गवर्नमेंट चुनते समय क्यों नहीं सोचती हैं? क्यों? क्या आप दूसरों के पसंद का खाना खाती हैं? आप अवेयर होइए, आप लोगों से बातें कीजिए, आप अपनी बात को रखिए। आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स यदि आपको कहते हैं कि ये सरकार सही है तो आप उनसे बात कीजिए, उनको कहिए कि ये सरकार क्यों सही है हमारे लिए। और यदि आपको अपनी राय रखनी हो तो आप अपनी राय रखिए। हो सकता है कि आपकी राय से आज वो सहमत ना हो, लेकिन कल वो आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। आप एक बार आगे तो बढ़िए। आप चाहती हूँ कि हर लोग जागरूक हो और हम लोग को मत देने का सभी को एक समान अधिकार है। जो भी अपने एज पे आ गए हैं कि हमको वोट देना है, अब 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो वो वोट दे सकते हैं। और घर से सभी निकलिए, तो कोई एक निकलिएगा तो चार निकलेगा। 18 साल से ऊपर महिलाएं और पुरुष कोई भी, आप अपने घरों से निकलें और अवश्य वोट करें, दूसरे के लिए नहीं अपने लिए वोट करें। क्योंकि हमारे, मैं अपने संगनी मित्रों से सहमत हूँ उनकी बातों से कि हम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए वोट करें और वैसे नेता को चुनें जिनसे हम इजीली बात कर सकें और मिल सकें। उन्होंने सही ही कहा कि हम तो अपने पति और बुजुर्गों की बातों में आकर वोट कर देते हैं, लेकिन अपने विवेक को जगाएं और उन्हें वोट करें जो हमारे छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करें। बड़ी बड़ी समस्याएं बड़े बड़े लोग तय करते हैं, लेकिन हम महिलाओं की बहुत छोटी छोटी समस्या होती हैं। अपने घर के अंदर ही बहुत समस्याएं हैं, महंगाई से हम महिलाएं जूझती हैं। पुरुष कमाकर हमारे हाथों में लाकर देते हैं, लेकिन उस सीमित आमदनी में हम लोग को घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तो उस महंगाई हमारे लिए आज हर दिन पेपर उठाने पर 2 रुपये बढ़ जाता है और इलेक्शन आते आते उसमें 1 रुपये की कमी हो गई, लेकिन वो ध्यान नहीं जाता। आज GST है, GST तो इतना लोचा है कि पता ही नहीं चलता कि किसमें 18 है, किसमें 12 है, किसमें 13 है, किसमें 14 है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल 19 मई को अपने घर से निकले और अवश्य वोट करें अपने लिए। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि महिलाएं किस तरह से बाहर निकल रही हैं और अपनी ख्वाहिशों को, अपने मुद्दों को कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए, सामने रख रही हैं। तो आप भी बाहर जाइए। बिफोर प्रिंट आप सभी से अनुरोध करता है कि आप बाहर निकलिए और वोट दीजिए, अपने पसंद की सरकार चुनिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति चांगयानी और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट आयन। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस सून। हाय, दिस इज नेहा मारदा, बिफोर ई प्रिंट डॉट इन बिहार का सबसे तेज चैनल है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए एंड डू एवरीथिंग व्हाट दे वांट यू टू डू। बिफोर प्रिंट डॉट इन बिहार का सबसे तेज चैनल है, सो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज लाइक कीजिए। थैंक यू।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।